जब जब साथिया की बात होती है तो गोपी के साथ अहम का ही नाम लिया जाता है। ऐसा लगता है कि यही एक दूसरे के असली साथिया है, लेकिन आपको बता दें कहानी कुछ और है, क्योंकि हमारी देवोलीना का असली साथिया कौन है वो आज बताएंगी भी और मिलवाएंगी भी। पर तो गोपी बहू ये कहती नजर आती हैं, इस साथ निभाना साथिया, लेकिन पर्दे के पीछे भी कोई है जिनका साथ वो बखूबी निभाना चाहती है। दिन रात साए की तरह वो गोपी यानी की देवोलीना के साथ रहती है। देवोलीना की जिंदगी में ये खास जगह है एंजल की। जी हाँ, उनकी ये प्यारी सी पपी जिनका नाम है एंजल। इनफैक्ट यू नो ड्यूरिंग दोज लॉकडाउन, जब एकदम पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, हम घर से भी बाहर नहीं जा रहे थे, सो मम्मी भी अभी है नहीं मेरे पास बिकॉज ऑफ अ एज एंड उनको जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम है उनकी वजह से हम उनको नहीं ट्रैवल करवा रहे हैं। सो शी इज़ द ओनली वन जिसके साथ मैंने अकेले अपना लॉकडाउन पीरियड बिताया है। सो येस आई कुड से इट्स अ ग्रेट 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 ब्लेसिंग, क्योंकि जब सब लोग पूछते हैं तू अकेले रही कैसे रही, सो मैंने कहा आई डोंट नो, मेरा टाइम निकल गया है बिकॉज महारानी मुझे इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है। शी डजंट ईट ऑन हर ओन, आई हैव टू फीड हर ऑन माई हैंड, लाइक यू नो हाथ से खुद को हैंड फीड करना पड़ता है। एंड देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि उसके साथ इतनी आसानी से इतनी आराम से टाइम निकल जाता था तो मुझे पता ही नहीं चला। सो या सेट पे भी वैसे ही है, व्हेन आई एम ऑन शॉट आई एम डूइंग माय शूट एंड एवरीथिंग, बट जो मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है, जहाँ जब भी टाइम मिलता है, सो आई एम विथ हर एंड जस्ट वी एंजॉय इट, एंड शी लव्स आवर सेट बिकॉज इतना बड़ा है तो उसे घूमने फिरने में भागने में भी मज़ा आता है। लॉकडाउन में जहाँ सब अपने घर वालों के साथ थे तो वहीं देवोलीना अपने घर में अकेली थी, लेकिन एंजल का साथ उन्हें इस कदर कुछ मिला कि उन्हें अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। घर में जैसे हम छोटे बच्चों को रखते हैं, ठीक वैसे ही देवोलीना एंजल को रखती है। उसका ख्याल भी वो किसी छोटे बच्चे की तरह ही रखती है। दिन में 12 घंटे जब वो शूट करती हैं तो एंजल को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, अपने साथ सेट पर लेकर आती हैं और जब वक्त मिलता है तो उसके साथ वॉक भी करती हैं। अब इसके दो फायदे हैं, एंजल का सैर सपाटा भी हो जाता है और देवोलीना की वॉक भी। इट्स लाइक इवनिंग वॉक, तो उसे अभी इवनिंग वॉक पे लेके आई हूँ एंड इतनी मस्तीखोर है, रूम के अंदर जाते ही दरवाज़ा अगर खुला रखूँ तो हर एक रूम में, मतलब वो होते ना घर के बच्चे घर पे नहीं रहते और पड़ोस में चले जाते, तो शी इज़ वन ऑफ देम। वो कभी भी अपने कमरे में नहीं रहेगी, हर एक कमरे में जाके झांकती रहेगी, अंदर बैठ जाएगी, छुप जाएगी। सो या जब सुबह उठेगी तो इनका रूटीन मैं बताती हूँ। सुबह उठेगी, उठ के जैसे ही मैंने बैल्कनी का विंडो खोला तो मैडम जाके चेयर पे बैठ के बैल्कनी पे बैठेगी आधा घंटा, तब तक मैं चाय वाय पी के आऊँगी। फिर थोड़ा टाइम आएगी, अपने अपना जो बेड है, जो केज है रूम, वहाँ पे जाके सोएगी, आराम से सोएगी। फिर उसके बाद जैसे ही बेल बजा, ड्राइवर भैया आ गए, मैडम टिक 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 करके भाग के आके दरवाजे के पास बैठ जाएगी। शी लिसन्स, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। मतलब हमारे सोसाइटी में भी बोलते हैं इसके बारे में कि बहुत ही काम, बहुत ही अच्छी है, मतलब एकदम मुझ पे गई है एक्चुअली बेसिकली। अब देवोलीना को एंजल का साथ मिला है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि देवोलीना की असली साथिया एंजल ही तो है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।